ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। श्री बलराम पूर्णिमा की जय है। तो हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं श्री बलराम आविर्भाव महोत्सव के विषय में। तो कल परसों हमने थोड़ा चर्चा किया किस तरह से दिखने में देवकी के पहले जो छह पुत्र है जिनको कंस ने मारा और उनके उपरांत बलराम आविर्भाव हुए और उसके उपरांत कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो पहले देवकी के छह पुत्र मारे गए। तो हमने इन विषय में चर्चा किया, इनके विषय में कि ये छह पुत्र कौन थे, मरीचि इन छह पुत्रों के रूप में अवतरित हुए थे, हु आर ऑफेंडर्स, और इनको मारने के उपरांत ही भगवान अवतरित होते हैं या भगवान का दर्शन होता है, किस तरह से इसकी हमने चर्चा की है। दिखने में तो कंस ने मारा ऐसा एक्सटर्नली बाह्य रूप से ऐसा दिखता है, बट व्यवस्था तो बलराम ने किया नारद जी के माध्यम से। छह पुत्रों को मारा गया जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य बैड कैरेक्टर्स। उसके उपरांत फिर बलराम स्थानांतरित हुए देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, और फिर भगवान का आविर्भाव फिर हुआ। इस विषय में हमने चर्चा की है। बट बलराम ऑफ कोर्स क्लीन्स द वे, क्लियर्स द वे फॉर कृष्णा, ये हमें समझना चाहिए। तो बलराम हर हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सहायता करते हैं ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो या उन्हें कोई अड़ी अड़चन ना हो। अनेक राक्षसों को बलराम ने भी मारे हैं, मारकर कृष्ण की सहायता की है, जैसे कि धेनकासुर। हम कल उस विषय में चर्चा कर रहे थे। धेनकासुर असुर जो है ये गधे के रूप में, यह असुर गधे के रूप में आए थे। धेनकासुर कंस ने भेजा था ताल वन की रक्षा करने के लिए। ताल फल जो होते हैं बहुत सुंदर फल, और पूरे वन वन में ताल फल उगा करते थे, इसलिए उसे ताल वन कहा गया। तो धेनकासुर ताल वन की रक्षा करता था। तो भगवान के सखाओं को ताल फल खाने की इच्छा हुई, इसलिए वो वन में गए और वहां पे ताल फल खाकर मतलब तोड़कर खाने लगे। तो धेनकासुर वहां जो ताल वन की रक्षा करते थे वो आए और उन्हें कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है ये फल खाने का, ये तो कंस का है, ये वन कंस ने कंस का है और मुझे रक्षा करने के लिए कहा गया है, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। तो इस तरह से हुई और बलराम ने इस धेनकासुर को पीछे के दो पैर पकड़कर घुमा घुमा कर मार डाला। इतना ही नहीं, उनके जो भी सगे संबंधी जो है
पत्नी कहो, बच्चे कहो, मित्र कहो, जो आए थे धेनकासुर अपने पूरे पलटन को लेकर इन सभी को मारने के लिए, कृष्ण को या फिर बलराम को, बलराम ने इनके दोनों पैर पीछे वाले पैर को घुमा घुमा पकड़ कर घुमा घुमा कर मार डाला। तो यहाँ पे धेनकासुर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में धेनकासुर का वध जो है, हाँ, जो बलराम ने किया है, तो इग्नोरेंस अज्ञानता प्रदर्शित करता है धेनकासुर। कैसी अज्ञानता, कैसा अंधकार, आई एंड माइन, मैं और मेरा, या मी एंड माइन, ये जो अज्ञान है इसको नष्ट करते हैं बलराम। ये धेनकासुर प्रश्न मतलब ये सिग्निफाई करते हैं, प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, धेनकासुर मतलब मी एंड माइन, अज्ञानता, अज्ञानवश जो कार्य करते हैं उनके अंदर धेनकासुर रहते हैं। धेनकासुर अज्ञानता के रूप में रहते हैं हम में भी, जब हम अज्ञानता में काम करते हैं, कोई भी कार्य अज्ञानता में करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर धेनकासुर है। तो इसे बलराम ही नष्ट करते हैं। और प्रलम्भासुर जो है, हिपोक्रेटिक, दिखने में एक और अंदर एक, समझ गए ना, बाहर से दिखता कुछ और है और अंदर कुछ है हृदय में, प्रलम्भासुर। तो एक बार ऐसा खेल हो रहा था, दो पार्टी बने थे, कृष्ण की पार्टी और बलराम की पार्टी। जो उस खेल में हार गए, जो भी पार्टी हार गई, वो पार्टी जीते हुए पार्टी को कंधे पर उठाकर भागना। तो कृष्ण की पार्टी जो है बलराम के पार्टी को कंधे पर उठाकर ले जाना है। तो प्रलम्बासुर जो है बलराम को ढो देते हैं अपने कंधे पर और भागने लगते हैं, और भागते भागते कहीं ऐसी दिशा ले जाते हैं, हाँ, एकांत दिशा ले जाकर बलराम को मारने की इच्छा करते हैं। तो जब बलराम सोचते हैं कि ये बाकी सब लोग यहां पे भाग रहे हैं, ये इस साइड क्यों लेके जा रहा है मुझे, तब पता चलता है ये असुर है, क्योंकि भागते भागते अपने शरीर को वो बड़ा 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 करते जाता है, ये असुर प्रलम्बासुर। बलराम को उन्होंने अपने कंधे पर ढोकर भाग रहे हैं, भागते भागते ये असुर बड़ा हो जाता है। तो बलराम जान जाते हैं कि ये हमारे सखा या मित्र नहीं है, ये कोई असुर है मित्र के रूप में। तो बलराम भी अपने शरीर को हैवी करने लगते हैं, रहते वैसे ही उतने ही, लेकिन अपने शरीर को हैवी कर पूरा ऐसा उनके सर पर मार देते हैं, ऐसा मुट्ठी से मार देते हैं, और प्रलम्बासुर गिर जाते हैं। तो इस तरह से बलराम जो है अनेक असुरों को मारे, यहां तक कि भक्त के रूप में भी। तो ये असुर जो है प्रलम्बासुर जो है ये हिपोक्रेटिक प्रस्तुत करता है। हिपोक्रेटिक मतलब डुप्लिसिटी। तो हृदय के अंदर एक बात है और बाहर एक प्रस्तुत है, बाहर से दिखता कुछ और है अंदर कुछ और है, ऐसा बाहर से मित्रता जो मित्र जैसा दिख रहा है लेकिन अंदर असुर है। तो ऐसे जिनका हृदय है तो इनके अंदर प्रलम्बासुर है। तो भक्त को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, उनका एक गुण है कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, अंदर एक कुछ और बाहर कुछ दिखावा कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति करने की दिखावा।
लेकिन अंदर से प्रलंब असुर है, नहीं इसको देखूंगा मैं कब, समय आने पर मैं देखूंगा इसे, लेकिन बाहर से बहुत ही विनम्र होकर हरे कृष्ण बोलने लगता है। सो ये असुर हम में रहता है और ये भी बलराम की कृपा से ही नष्ट हो सकता है। रोमहर्षण सुत को भी बलराम ने ही मारा। रोमहर्षण सुत भागवत कथा कर रहे थे, भागवत कथा, उनके सामने कई सारे ऋषिगण बैठे थे। भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम भागवत कथा करते हैं ना, क्या अपने संतुष्टि के लिए करते हैं? भगवान को संतुष्ट करने के लिए भागवत कथा होता है, और रोमहर्षण भागवत कथा कर रहे थे, कई सारे ऋषिगण बैठकर सुन रहे थे। ये तब की बात है जब महाभारत की युद्ध होने जा रहा था। बलराम महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिए, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और उस समय यहाँ पे पहुंचे थे इस कथा के पास। तो सारे ऋषिगण बलराम को जानते थे, वो भगवान स्वयं आए हुए हैं यहाँ पे, और सब उठकर कोई लोग दंडवत प्रणाम किए, उनको प्रणाम किए, जो बड़े थे उनको आदर कर हाथ जोड़े, जो बलराम से छोटे थे वो दंडवत प्रणाम किए, उन कुछ लोग उन्हें आशीर्वाद दिए जो उनसे बड़े उम्र वाले थे बलराम से, सब लोग उठ गए थे, लेकिन रोमहर्षण सुत व्यासासन पर बैठ कर रहे। उन्होंने भगवान की, मतलब बलराम की कुछ उन्होंने रिस्पेक्ट या उठना खड़ा होना हाथ जोड़ना ऐसे कुछ नहीं किया। उनको ऐसे लगा मैं तो व्यासासन पर बैठा हूँ, भागवत कथा कर रहा हूं, मुझे उठने की क्या जरूरत है, मुझे भगवान को मतलब बलराम को इतना रिस्पेक्ट देने की क्या जरूरत है। आप समझ गए, प्रचार हम बहुत करते हैं, अगर वैष्णव के प्रति भगवान के प्रति आदर नहीं है तो ये रोमहर्षण सुत के जैसा है। तो ये उठे नहीं थे, जिस भागवत कथा जिसको संतुष्ट करने के लिए भागवत कथा की जाती है, स्वयं भगवान आए हुए हैं और वो संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि इन्होंने उठा नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन आसन पर बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता समझ रहे थे, इसलिए बलराम ने घास उठाकर उनको मार डाला, घास के माध्यम से उन्हें मार डाला रोमहर्षण सुत को। तो ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैष्णव को रिस्पेक्ट देना, भगवान को रिस्पेक्ट देना, गुरुजनों को रिस्पेक्ट देना, इनफैक्ट उनके उपस्थिति में हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। वैष्णव की उपस्थिति, गुरुजनों की उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति में हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्नता की जगह ईर्ष्या और द्वेष किसी के प्रति होता है तो बलराम की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो रोमहर्षण सुत जैसे को भी बलराम ने मारा और उनके पुत्र जो है सुत गोस्वामी जो है उनको आशीर्वाद दिया क्योंकि वो बहुत विनम्र थे। मारने के उपरांत, बलराम मारने के उपरांत वहां पे उपस्थित सारे ऋषिगण, अरे अरे तुमने क्यों मार डाला, वो तो भागवत कथा कर रहा था, ये कर रहा था। तो बलराम ने क्या, बोलो जिंदा कर दूं मैं उन्हें, वापस उनके शरीर में प्राण लाऊं? तो सारे लोगों ने, नहीं नहीं अभी ठीक है, जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, आप अभी उनके पुत्र को आशीर्वाद दे दो ताकि वो अच्छी तरह से भागवत कथा कर सके। तो वहां पे सुत गोस्वामी थे, उनके पुत्र थे, उनको आशीर्वाद दिया, फिर उनको आसन पर बिठाया गया और वो कथा करने लगे। ऐसी सिचुएशन, तो भक्त के रूप में भी ऐसे मतलब रोमहर्षण सुत जैसे भाव रहते हैं, समझ में। और उनको बलराम, अगर सपोज क्लियर, हाँ ये असुर है इनको मारना है, तो भगवान ये कार्य कर लेते हैं। लेकिन बलराम जो है अंदर की बात को भी जान लेते हैं, हिपोक्रेटिक्स जैसा, मतलब भक्त के रूप में असुर कभी कभी आते हैं, भक्त के रूप में भक्ति करने लगते हैं। प्रभुपाद के समय भी
समझ गए ना। प्रभुपाद के समय भी ऐसे कुछ भक्त इस्कॉन में जुड़ गए जिनको ड्रग्स का बिजनेस करना था। अरे ऐसी संस्था से जुड़ जाएंगे तो हमारा ड्रग्स किसी को पता नहीं चलेगा, ना पुलिस पकड़ेगा ना कोई पकड़ेगा, क्योंकि हमको तो संत समझेंगे लोग। ऐसे समझ कर भी घुस गए थे इस्कॉन में, ऐसा धंधा ऐसे व्यवसाय कर रहे थे। तो कुछ समय के बाद जब प्रभुपाद को पता चला, प्रभुपाद उनको तुरंत निकाल दिए, तुरंत, यू कैनॉट बी माई डिसाइपल रास्कल यू आर। तो ऐसे कभी कभी हम देखते हैं पोजीशंस के लिए, रोमहर्षण सूत जो है पोजीशंस को प्रस्तुत करते हैं। भक्त होने के बाद भी कुछ पोजीशंस चाहिए, पोजीशंस के लिए हम कई वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, उनको नीचा दिखाना, उनको ये करना, ऐसे। तो दे आर लाइक रोमहर्षण सूत, और वो बलराम की कृपा से ही वो नष्ट हो जाते हैं। भले कितना भी बड़ा भागवत कथा करता होगा, लेकिन उनके अंदर ऐसे ईर्ष्यालु और द्वेष भाव है तो वो कैसे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो बलराम के चरणों में हम प्रार्थना करने से बलराम की कृपा प्राप्त होगी। और ऐसे जो असुर हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे अंदर है, इनको बलराम स्वयं नष्ट कर फिर कृष्ण के दर्शन करवाते हैं। पहले खुद प्रकट होते हैं हृदय में और फिर बाद में सब साफ कर कृष्ण, फिर देन कृष्ण अपियर्स इन द हार्ट। आवर हार्ट शुड बी लाइक वृंदावन, हमारा हृदय वृंदावन के जैसा होना चाहिए, तभी कृष्ण वहां पे प्रकट होंगे। ब्रजेंद्र नंदन जो है वो हमारे हृदय में प्रकट होंगे। इज इट क्लियर? ओके, सब लोग सुन रहे हो, समझ में आ गया? What is the importance of Shri Balaram in our life? हमारे हृदय में जब तक ये असुर है तब तक हमें कृष्ण के दर्शन या कृष्ण के प्रति प्रेम या वैष्णव के प्रति प्रेम या उनके लिए आदर रिस्पेक्ट नॉट पॉसिबल। यू हैव टू क्लियर योर हार्ट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब भगवान वहां हृदय में प्रकट होंगे और फिर दर्शन देंगे। सो बलराम हमें बल देते हैं, समझ रहे? यस। और सारे बैड कैरेक्टर्स को नष्ट कर देते हैं, जितने भी दूषित गुण है हमारे हृदय में दोष के रूप में बैठे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, वो सभी को बलराम नष्ट कर देते हैं। सो बलराम आविर्भाव के समय हमें सबको भगवान बलराम के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम में ये शक्ति नहीं है इन सारे असुरों को नष्ट करने का, आप अकेले उन्हें नष्ट कर सकते हो, तो कृपा कर मेरे हृदय में जितने भी ये दोष है जो मेरे भक्ति में बाधा डाल रहे हैं भगवान के प्रेम के प्रति, हाँ प्रेम मेरे और भगवान के प्रेम में बीच में जो आ रहे हैं ये दीवारें, इसे नष्ट कर दो। जब हम प्रार्थना करते हैं तब भगवान बलराम, यस वो बल है, हमें शक्ति भी देते हैं और उन सभी असुरों को नष्ट करते हैं जो हृदय में बैठे हैं। श्री बलराम आविर्भाव महोत्सव की जय, श्री बलराम पूर्णिमा की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि गौर।